नमस्कार, स्वागत है आपका जय जवान न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट के आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज मानीला में शिक्षकों की नियुक्ति को स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों ने खंड शिक्षा अधिकारी सल्टा एसडीएम भिकिया सिंह सीमा विश्वकर्मा को ज्ञापन सौंपा। बता दें, उत्तराखंड में बुनियादी सुविधाओं के अलावा अभाव में कहीं ना कहीं पलायन लगातार बढ़ रहा है। स्कूलों में अध्यापक ना होने से लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों का रुख कर रहे हैं। दरअसल आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज मानीला में काफी समय से शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जबकि शिक्षा विभाग का दावा है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा, लेकिन शिक्षा विभाग के दावे घोषणा तक ही सीमित रह पाते हैं। धरातल में शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो पाई, जिसमें अभिभावकों का आरोप है कि शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों के पठन पाठन व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है, लेकिन अभिभावकों को शिक्षा विभाग के अधिकारी आश्वासन देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। तो वहीं शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का दावा हवा हवाई साबित हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था पटरी पर उतर गई है, कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी के कारण छात्र संख्या लगातार घट रही है और स्थानीय लोगों को बच्चों की अच्छी शिक्षा पलायन करना पड़ रहा है। साथ ही अभिभावकों ने बताया कि तमाम ज्ञापन के बाद भी उनकी सुध नहीं ली जा रही है, जिससे सभी अभिभावकों में आक्रोश है। इस संबंध में अभिभावक संघ अध्यक्ष मनमोहन सिंह बंगारी ने कहा कि आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज मानीला में लगातार शिक्षकों का अभाव बढ़ता जा रहा है। सरकार की ऐसी नीति है कि आधे शिक्षा सत्र शिक्षकों का स्थानांतरित किया जाता है, ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि बच्चों को अभिभावक ट्यूशन दे सके। तो वहीं सरकार एक और कहती है कि पलायन पर रोक लगाओ, दूसरी ओर सरकार बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए स्कूलों में शिक्षकों की कमी झेलनी पड़ती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहाड़ अधिकतर विद्यालयों शिक्षक की कमी से खाली हो रहे हैं। 12 सितंबर से क्रमिक अनशन की चेतावनी भी अभी संबंध में दे दी गई है। आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज मानीला में लगातार शिक्षकों का अभाव बढ़ते जा रहा है। सरकार की ऐसी नीति है कि आधे सत्र में से यहाँ पे टीचरों का ट्रांसफर किया जाता है, उसके बाद हम लोग के पास कोई ऐसा चारा नहीं कि हम अपने बच्चों को हमको ट्यूशन दे सके, कुछ कर सकें। एक तरफ तो सरकार कहती है कि प्लान पर रोक लगाओ, दूसरी ओर हमारी सरकार ऐसी नीति बनाती है जो पहाड़ में हम लोग जो अपने बच्चों यहाँ पर परिवार के साथ रह रहे हैं, अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे लगातार जो अध्यापक हैं उनका ट्रांसफर इधर से उधर किया जा रहा है। और मेरा तो एक आरोप है कि जो आजकल दोनों मैं अधिकतर देखा है, दोनों मियाँ भी टीचर ही हैं, तो वो अपना ट्रांसफर अपने हिसाब से करवा रहे हैं जहाँ पे दोनों को सुविधा रहती है, और इसलिए अधिकतर विद्यालय पहाड़ के विद्यालय खाली होते जा रहे हैं। तो मेरा सभी लोगों से वो है कि एक निवेदन है कि हम लोग अपने विद्यालय की इस लड़ाई में हमें अपना साथ दीजिए। 12 सितंबर से कर्मी अनशन पर बैठेंगे और आप सभी लोगों का सहयोग और साथ चाहिए। तो खास रिपोर्ट तैयार की थी आपके लिए हमारे संवाददाता गोविंद रावत ने। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जय जवान न्यूज। धन्यवाद।